दोस्तों जैनी आया है, है? अपना प्यारा जैनी। और दूसरा दोस्त है, आपकी नजर डालता हूँ, अभी हमने जो इसका नीचे मोटू है ना दोस्तों, मोटू हमने नाम हटा दिया भाई, ठीक है? अब मोटू नहीं है, अपना बच्चा है, ठीक है? इसका नाम हमने रख दिया चार्ली, क्योंकि मोटू में ऐसा लग रहा है यार जैसे थोपा हुआ नाम है। तो इसका नाम प्यार से मैं तो मोटू ही बोलता हूँ, लेकिन जो है बाहर इसका नाम ऑलरेडी हम चार्ली करके बुला देंगे, ठीक है? अभी इसको तो यार हो तो गया टाइम, अब मोटू कहते कहते, लेकिन अब चार्ली एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा, क्योंकि मैं इसको मोटू नहीं बोलूँगा, चार्ली बोलूँगा, ठीक है? तो ये हो गया अभी जैनी, एक हो गया लीजा, और ये हो गया अपना चार्ली। ये अपना दोस्त चार्ली है, ठीक है? ओके, ये अपनी जैनी। तो ये दोस्तों इवनिंग वॉक में आए हुए हैं, ओके, ये इवनिंग वॉक में आए हैं। और चार्ली जो है ना, चार्ली को चैन की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, चैन से बिल्कुल भी नहीं चलती अपनी चार्ली, ठीक है? चार्ली चैन में बिल्कुल भी चलती है। दोस्तों अभी इनसे मुद्दे पर ढाया उठाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है? झंडा ऊंचा रहेगा दोस्तों, इंडियन आर्मी है तो डरने की कोई बात नहीं है, झंडा हमेशा ऊंचा ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा था, लोग ना कोई भी चुनावी मुद्दा होता, कुछ भी होता ना, ठीक है, दो ही बात, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, और हमारी GDP यहाँ पहुँच गई इसकी बात करते हैं, दो ही बात करते हैं, डिजिटल इंडिया GDP की बात करते हैं, उसके अलावा कोई भी मुद्दा जो है मेरे को सुनने में नहीं आता है, और कोई जो है नौकरी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा मैं आपकी नॉलेज में डालता हूँ कि मेन मुद्दा क्या है, जिसकी नौकरी के अलावा गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट को, पॉलीबैग डिस्पोजल के बारे में कोई बात नहीं करता हर एक को। ये जो पेड़ है ना, पेड़ हमारे ऑक्सीजन के केंद्र बिंदु होता है, लेकिन 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 पेड़ों के बारे में कोई भी बात करने को राजी नहीं है। पॉलीबैग कहाँ डिस्पोजल हुए कोई बाकी नहीं है, ठीक है? ग्लेशियर जिस तरीके से गल रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्लेशियर गल गया, और धीरे धीरे जो है ना पानी का लेवल उठता जा रहा है, और पर्यावरण तौरी बहुत ही तेज़ी से जो है ना चेंज होते जा रहा है दोस्तों, ठीक है? लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि यार दोस्तों पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है? जंगल को कटान होते जा रहा है, ज़मीनें प्लॉट के प्लॉट बनते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या, पेड़ को बड़ा और खड़ा होने में कम से कम दोस्तों 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में 1 मिनट का टाइम लगता है। जंगल माफिया से, भू माफिया से लेकर हर कोई ना, ठीक है, जंगल को काटने में लगे हुए हैं, और पर्यावरण धीरे धीरे खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर पर्यावरण के खत्म होने से जो है, ठीक है, इसकी वजह से बेमौसम में बाढ़ आ रहा है, मौसम खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, और डिस्पोजल पॉलीबैग का दिया पैसे कमाने के चक्कर में गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं देती है। उन्हें सत्ता में आना है, नेता को सत्ता में आना है, ठीक है, झूठी सांस होगा तो उन्होंने अपनी फैलानी, लेकिन पॉलीबैग के बारे में इतने प्रोडक्ट हैं दोस्तों, एक अगर कोई प्रोडक्ट है ऑनलाइन आप खाना मंगाते हैं तो कम से कम 50 पॉलीथीन के पैकेट आपके घर पहुँचते हैं, ठीक है? वो फिर वो ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते, और वो कहीं एडजस्ट भी होते हैं, और ये जो कूड़ा होता है ना लाखों साल तक ऐसे ही पड़ा होता है दोस्तों, ठीक है? मेहरबानी करके यार, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, सबको अपनी सत्ता जमकानी है, लेकिन मेहरबानी करके एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, पॉलीबैग डिस्पोजल कम से कम इस्तेमाल करें, और कम से कम इस्तेमाल की कोशिश करें, और कहीं भी आपको मिलता ना उसको, और जो है रोड में ना फेंकें उसको, अपना घर जाके डिस्पोजल करने की कोशिश करें। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा अगर सही जगह डिस्पोजल होगा तो वो छाट के जो है जिसमें जो डिस्पोजल वाली चीज़ें वो डिस्पोजल हो जाएंगी, ठीक है? नॉलेज के तौर पर जैसे ये, ठीक है, ये प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, कैन पड़े हैं, तो इसमें जो डिस्पोजल वाली चीज़ें ऑलरेडी डिस्पोजल हो जाएगी, जो नहीं होने वाली होगी तो वो नहीं होगी, ठीक है? तो इसकी बात कोई नहीं करता यार, लोग अपनी, मेरी GDP इतनी हो गई है, हमने ये बना दिया, हमने टावर बना दिया, मेट्रो बना दिया, अब इनको खाओगे सालो, हैं? जब तुम ही नहीं रहोगे तो इन मेट्रो हेटो को लेकर क्या करोगे तुम लोग? कोई फायदा होगा इसका? कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे भाइयों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए, हर इंसान ने कम से कम लॉन्ग लाइफ पौधे, कम से कम एक अपनी जिंदगी पक्का लगाओ, और उसको बड़ा करो, खड़ा करो, लगाने से मतलब नहीं है, 10 साल पेड़ लगा दे, पानी कौन डालेगा मेरा बाप? पानी भी डालना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है, जड़ा जब तक पानी के अंदर, जमीन के अंदर चली जाती है, खींचती पानी तब तक उसको बच्चे तक पालना पड़ता है, ठीक है? समझने वाले के लिए सारा का भी जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।